नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही हटके टॉपिक के बारे में। चेहरे पे अगर फैट जमा हो रहा है तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयां है, क्या कारण है जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर ये फैट जमा होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और जिन लोगों को इसकी तकलीफ है वो लोग मुझे पता है कि ये वीडियो जरूर देखेंगे और बहुत ही रेयर टॉपिक है, बहुत से लोग इस टॉपिक पे बोलते हुए मुझे नहीं दिखते। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। कई बार देखा है कि चेहरे पे कई लोगों की चर्बी जमा हो जाती है, ये गाल ऊंचे आ जाते हैं, गले के नीचे की तरफ हमें बहुत ज्यादा फैट जमा होता हुआ देखने को मिलता है और बहुत ही स्वेल्ड सा हमें अपीयरेंस देखने को मिलता है। दिक्कत ये होती है कि बाकी के जो बॉडी के प्रोपोर्शंस है वो तो ठीक ठाक है, मतलब हाथों के, पैरों के और पेट का जो घेरा है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन चेहरे पे ही हमें फैट ज्यादा दिखाई देता है, ऐसा कुछ लोगों के अंदर हमें देखने को मिलता है। ऐसे में वो लोग बहुत ही असहज सा महसूस करते हैं, बहुत गोल गोल सा चेहरा उनका दिखाई देता है, तो वो बहुत ही कॉन्शियस इसको लेके हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये होता है, ऐसा सवाल अक्सर ऐसे लोगों के अंदर हमें आता हुआ देखने को मिलता है। तो इसके लिए बहुत से रीजन हो सकते हैं। एक तो कॉमन रीजन है मोटापा, फैट अगर आपके बॉडी पे डिपॉजिट हो रहा है तो उसकी वजह से मोटापा आपका दिखेगा ही। तो मोटापा हो सकता है, कई बार फैट जो है पेट के ऊपर डिपॉजिट होने की बजाय चेहरे के निचले हिस्से में और गाल के ऊपर ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें फैट फेस देखने को मिलता है। इसका दूसरा रीजन होता है ओल्ड एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये जो स्किन होती है इसका जो टेंशन होता है वो कम हो जाता है, जो कोलेजन फाइबर्स होता है उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है और स्किन थोड़ी सी लूज सी गिरना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में ओल्ड एज में जो चमड़ी है ये लटक जाती है और लटकने के बाद में चमड़ी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ मोटा सा सूजन सा आ गया है और देखने को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो ओल्ड एज की वजह से भी हमें ये समस्या होती हुई देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी बहुत ही हेल्दी मोटा सा व्यक्ति है जिसने बहुत सडनली खुद का वेट लूज अगर कर लिया है, सडन वेट लॉस अगर कर लिया है, तो स्किन पूरी तरह से नहीं ऊपर जाती है और स्किन हमें लटकी हुई सी ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। तो ऐसे लोगों के अंदर भी हमें चेहरे के नीचे निचले हिस्से पे स्वेलिंग सी देखने को मिलती है, सूजन सी, चर्बी सी जमा होती हुई हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर हमें कॉर्टिसोल लेवल्स, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, उसके लेवल्स अगर बढ़े हुए देखने को मिलते हैं तो उस वजह से भी हमें चेहरे के ऊपर स्वेलिंग, सूजन, चर्बी देखने को मिलती है। तो कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत से एड्रिनल डिजीजेस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से ही ये हार्मोन सिक्रेट होता है। इसके अलावा कोई अगर आपकी बीमारी है जिसके लिए आप बहुत दिनों से स्टीरॉइड्स का सेवन कर रहे हो, बहुत से स्टीरॉइडल ड्रग्स है जिसकी वजह से भी हमें चेहरे के आसपास में चर्बी ज्यादा देखने को मिलती है, तो ऐसे में उन स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट की वजह से भी चेहरे के ऊपर हमें चर्बी देखने को मिलती है। ऐसे में स्टेरॉइड को हमें धीरे धीरे करके बंद करना चाहिए, स्टेरॉइड को टैपर करते हुए हमें बंद करना चाहिए। आजकल तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ भी आ गई है, स्टेरॉइड्स के सब्स्टिट्यूट्स भी आ गए हैं, तो स्टेरॉइड को टैपर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अब अगर ये चेहरे पे सूजन आ ही गई है, हो ही गई है समस्या, तो हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोई अगर आप मेडिसिन ले रहे हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, चेहरे पे चर्बी जमा हो रही है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो उस दवाइयों को आपको बंद करना है, मेडिसिन को पूरी तरह से स्टॉप करना है। इसके अलावा अगर मोटापे की वजह से चेहरे के ऊपर चर्बी ज़्यादा जमा हो रही है तो आपको डाइट करना है प्रॉपर, आपको हाई कैलोरिक फूड इंटेक नहीं लेना है, लो कैलोरिक फूड इंटेक लेना है। तो हाई कैलोरिक फूड इंटेक यानी आपको ऑयली चीज़ें बंद करनी है, आपको शक्कर कम करना है, और ये नहीं करेंगे तो मोटापा आपका कंट्रोल नहीं होगा, और मोटापा कंट्रोल नहीं होगा तो चेहरे पे की चर्बी आपकी जाने वाली नहीं है, चाहे आप कोई भी दवा ले लो। तो इसमें थोड़ा बहुत विल पावर का भी रोल हमें देखने को मिलता है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल आपके बढ़ जाते हैं, और कॉर्टिसोल को आपको कंट्रोल भी करना है, अगर आप कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं तो उसको आपको लेना बंद करना है, ये सभी चीज़ें हमें करना ही करना है। साथ ही साथ आपको प्रोसेस्ड फूड बंद करना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड के अंदर बिस्किट, बेकरी के प्रोडक्ट्स, ऑयली फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ये सभी चीज़ें हमें बंद करना है। ऑयली चीज़ें तो खासकर हमें पूरी तरह से बंद कर देना है खाना,
जिससे हम फेट चेहरे पे की चर्बी को कंट्रोल कर सके। तो जानते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। सबसे पहली दवा है हमारी कल्क्रिया कैप 30, बहुत ही बेहतरीन दवा है फेयर फैट फ्लैबी लेडीज के लिए, खासकर लेडीज या चिल्ड्रंस के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इंडिकेटेड हमें ये दवा देखने को मिलती है। बहुत ही गोरी सी अगर कोई लड़की है जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा अगर चर्बी जमा हो गई है ऐसा उसे महसूस होता है तो उसके लिए ये दवा बहुत अच्छी तरह से काम करती है। छोटे बच्चों के अंदर जो थोड़े स्लो होते हैं स्लगिश होते हैं, अगर आप कोई काम बोलो तो तुरंत उठ के काम नहीं करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठेंगे चलेंगे, थोड़े से सुस्त से हमें ये बच्चे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर अगर हमें चेहरे के ऊपर चर्बी जमा होती हुई देखने को मिलती है तो आपको लेना है कल्क्रिया कैप 30। कल्क्रिया कैप 30 की दो दो बूंद अगर आप सुबह शाम लेंगे, दो तीन महीने तक लेंगे, तो दो तीन महीनों के बाद में ये चर्बी चेहरे की कम हो जाती है और चेहरा नॉर्मल प्रोपोर्शन में आ जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। ग्रेफाइटिस एक बहुत अच्छी दवा है। ग्रेफाइटिस की टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, चाहे कितना भी वेट लूज करें लेकिन अगर दो तीन दिन भी वो अगर डाइट पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो तुरंत से वेट गेन कर लेते हैं। तो बोलते हैं ना कि मैं अगर पराठे के पास से भी गुजर जाऊँ तो मेरा वेट बढ़ जाता है, ऐसा जो लोग बोलते हैं, ऐसा जो लोग सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए ग्रेफाइटिस बहुत अच्छी दवा है। ग्रेफाइटिस भी 30 पोटेंसी में हमें लेना है। दो दो बूंद इसकी सुबह शाम अगर लेंगे तो ग्रेफाइटिस की मदद से भी चेहरे की चर्बी को हम बर्न कर सकेंगे और चेहरा नॉर्मल प्रोपोर्शन में आता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो कल्क्रिया कैप और ग्रेफाइटिस इन दोनों में से जो भी आपको इंडिकेटेड मेडिसिन लगती है ये तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन साथ में इन दोनों के साथ में आपको लेना है फ्यूकस वेसिकुलोसिस। फ्यूकस वेसिकुलोसिस 20-20 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में डाल के जरूर लीजिए। ये फैट बर्न करने के लिए ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली यूज होती है होम्योपैथी में और चर्बी जलाने के बहुत अच्छे तरह से काम आती है। तो सिर्फ चेहरे की नहीं पूरे बॉडी की चर्बी ये जलाने की ताकत रखती है। फ्यूकस वेसिकुलोसिस 20-20 बूंद अगर आप लेते हैं कंटिन्यूसली दो तीन महीने तक अगर आप लेते हैं तो आप जरूर देखोगे कि आपके चेहरे पे की चर्बी धीरे धीरे कम हो रही है और बॉडी भी थोड़ी स्लिम ट्रिम हमें होती हुई देखने को मिलती है। तो ये थी कुछ दवाइयाँ जो इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि दवाइयाँ आप होम्योपैथिक फार्मेसी से जब भी ले तो सील्ड पैक बॉटल में ही ले, हो सके तो SBL या श्वाबे कंपनी के लिए, WSI कंपनी के लिए, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। लूज बॉटल्स आप मत लीजिए, लूज बॉटल्स से हमें उतने अच्छे डिजायरेबल रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और किसी चीज़ में आपको अगर गाइडेंस चाहिए है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। नीचे जो लाल बटन दिया है उसको दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुद का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय किए। जय हिंद, जय भारत।